कम्युनिटी किचन के द्वारा बेजुबान जानवरों में भी खाद्य पदार्थ वितरित किया जा रहा है। इस संबंध में जानवरों में खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे एक टीम के प्रभारी संग्रह अमीन अभिषेक पांडे ने बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने के नेतृत्व में टीम कम्युनिटी किचन का काम कर रही है। कच्चा और पक्का राशन का वितरण करने के बाद हम लोग अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में निकलते हैं और बेजुबान जानवरों को चना, रोटी, ब्रेड वितरित करते हैं, जिससे कि महानगर में कोई भी जानवर भूखा ना रहे। जहां भी जानवरों की आवागमन की सूचना मिलती रहती है, हम लोग पहुंचकर उसको भोजन कराते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बेजुबान जानवरों में खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे एक टीम के प्रभारी संग्रह अमीन अभिषेक पांडे ने कहा, बहुत बंदर है, रात ही रात होगा अभी से दोपहर। मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं संग्रह अमीन हूँ तहसील सदर में। सर, ये हम लोग प्रतिदिन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री अभिनव सिंह के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम कम्युनिटी किचन का काम कर रही है, जिसमें प्रतिदिन शाम को जब कच्चा राशन और पक्का राशन का वितरण करने के पश्चात हम सब लोगों को अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में निकाला जाता है कि इन जानवरों के लिए कुत्ता भी भूखा ना रहे, गाय भी भूखी ना रहे, बंदर भी भूखा ना रहे, इनके लिए चना, रोटी, ब्रेड। रोटी का अलग कॉन्सेप्ट ही सर के द्वारा ये दिया गया और विभिन्न संगठनों के द्वारा ये रोटी प्रोवाइड किया जा रहा है कम्युनिटी किचन में, और लोग अलग अलग एरिया में लेकर जहाँ पे भी बंदरों के आवागमन की जानकारी है वहाँ लोग पहुँच करके इनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह भी भूख से पीड़ित ना रहे। यह प्रक्रिया आपके द्वारा कब तक चलती रहेगी? सर, ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक मानव श्रृंखला सड़कों पर ना आने लगेगी, तब तक सरकार या प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग लगातार इस कार्य को मूर्त रूप देते रहें।